Hero Gift is here. Bring home a hero today. संगठित और असंगठित मजदूरों की 5 सूत्री मांग को लेकर आरसीएमएस इंटक के द्वारा शनिवार को डकरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया गया। इस 5 सूत्री मांग में मुख्य मुद्दा कोयला कामगारों के संडे ड्यूटी का था, जिसमें प्रबंधन के द्वारा 4 दिन की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होने पर इंटक के द्वारा विरोध करते हुए घेराव कार्यक्रम किया गया। घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंटक नेता अब्दुल्ला अंसारी और बीएन पांडे ने संयुक्त रूप से कहा कि यह प्रबंधन का मजदूरों पर आर्थिक हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रबंधन देर शाम तक अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो कल रविवार को इनके एरिया के सभी परियोजनाओं का कामकाज ठप कराया जाएगा। इस मौके पर इंटक नेता सोनू पांडे, पज्जू महतो, सुनील सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रबंधक होश में आओ, इनके प्रबंधक मनमानी करना बंद करो, इनके प्रबंधक मनमानी करना बंद करो, बंद करो, इनके प्रबंधक हाय हाय। मजदूरों का अधिकार देना होगा, मजदूरों का अधिकार देना होगा। जो मांग के लेकर इनके मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष राज कुमारी मजदूर संघ इंटक के द्वारा एक दिवसीय जो घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ के प्रबंधन को कहना चाहते हैं, यहाँ के प्रबंधन के द्वारा जो चिट्ठी के माध्यम से सभी परियोजना में जो आप चिट्ठी भेजे हैं, अपने उस चिट्ठी में अपने स्पष्ट कहा है कि जो भी मजदूर आपका सा शरीर से 4 दिन उपस्थित होगा उसी मजदूर को संडे मिलेगा। और अगर 4 दिन उपस्थित अगर आप नहीं होइएगा तो आपको यहाँ के इनके महाप्रबंधक आपको संडे नहीं देगा। हम इस घेराव के माध्यम से यहाँ के प्रबंधन को कहना चाहते हैं, आप हमारा मजदूर का इम्तिहान मत लीजिए। आपको पता नहीं है हमारा मजदूर चट्टान तोड़कर कोयला निकालने का काम करता है। अगर मजदूर का इम्तिहान लीजिएगा तो दिन दूर नहीं कि इनके एरिया को पूरा मजदूर लोग तहस नहस कर देगा और इसका जवाब यही यहाँ के सिस्टम प्रबंधन को होगा। हमने इस घेराव के माध्यम से यहाँ के प्रबंधन को कहना चाहते हैं, इससे पूर्व में भी 2018 में यहाँ के इनके मुख्य महाप्रबंधक एमके राव हुआ करते थे, एमके राव के द्वारा भी हमारा मजदूर साथी का संडे कटौती का जो नियम लाया था हम लोगों ने और हमारे मजदूर साथी ने सभी लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन किया और जो संडे कटौती का जो नियम आप लाए थे उस नियम को आपको वापस लेना पड़ा। और उस समय हमारा मजदूर लोग सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन किए थे और उसी आंदोलन के चलते यहाँ के इनके मुख्य महाप्रबंधक इनके राव को यहाँ से ट्रांसफर होकर जाना पड़ा, वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में यहाँ के सभी मजदूर लोग एकजुट होकर आपका विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। और हमारे मजदूर लोग सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है कि जब तक हम लोगों का जो मजदूर का सुविधा है और जो संडे कटौती का जो नियम लाए हैं उस नियम को आप जब तक वापस नहीं लेते हैं हम लोग आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। आपको जितना भी गोली चलाना है चला लीजिए, लेकिन हमारा मजदूर गोली खाने से डरता नहीं है,
मरने से डरता नहीं है, इस बात को यहाँ के प्रबंधन को बताने आए हैं। इसीलिए अभी में हमारे मजदूर का जो हक अधिकार है, चाहे संगठित मजदूर का है या संगठित मजदूर का है, जो हक अधिकार है इस ध्यान के माध्यम से यह के प्रबंधन को हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के मजदूर और यहाँ के प्रबंधन का सीधा सीधा लड़ाई है हम लोगों का। आज तक हम लोग अपने जीवन में बढ़ते जा रहा है और यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक महोदय या इससे पूर्व में रहे वो मुख्य महाप्रबंधक ठंडे को लेकर एक हथियार की तरह, अस्त्र की तरह मजदूरों पर समय समय पर जो हमला करने का खेल खेल रहे हैं, कभी कटौती करके कभी फिजिकल के गणित में बांध के, मैं उनसे कहूंगा जी इस खेल को बंद करिए, क्योंकि यह मजदूर ही है जो आपका प्रोडक्शन में हो या डिस्पैच में हो, आप जो ऑल इंडिया के माध्यम से आप जो नाम कमाने का काम करते हैं, कहीं न कहीं यह मजदूरों का ही देन है। इसलिए इनके साथ जो आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं वो अधिकारियों के बीच में और मजदूरों के बीच में दिन ब दिन खाई पैदा होते जा रहा है। मैं 5 सूत्री मांगों पर लेकर 1 नवंबर को खासकर मैं फिजिकल के लेके और शीत छुट्टी में जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको लेकर हमने घोषणा किया था कि इंटक अब आंदोलन में उतरेगी, और 2 तारीख को मैंने मीटिंग के माध्यम से महाप्रबंधक महोदय को मैं 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। उसी के आलोक में आज यह कार्यक्रम चल रहा है और यह 5 सूत्री मांग जो है सीधे सीधे मजदूरों के आर्थिक से जुड़ा है, या कोई भी उसमें मुद्दा ऐसा नहीं है या प्रबंधक को दबाव बनाने की राजनीति या ब्लैक करने की कोई राजनीति करता हो, क्योंकि राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर संघ इंटक इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो मजदूरों को सुविधा का ख्याल करती है, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। आज इंटक का ही दिन है, आज हमारा मजदूरों का सुख सुविधा जो मिला था वो दिन ब दिन कटते जा रहा है। लेकिन मैं प्रबंधक से कहना चाहता हूं कि आज जो आप फिजिकल जो लगाए हैं वो संडे कटौती से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम रविवार ड्यूटी के नजदीक पहुंचते हैं तो हम संडे कर पाएंगे, ड्यूटी कर पाएंगे, और नहीं तो उस रेखा के पीछे रहे तो हम घर परिवार से छुट्टी में अपना काम नहीं कर पाएंगे।